विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, आदाब, मैं मरियम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का खैर मुकदम करती हूँ। अनज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। मुस्लिम नामों का इस्तेमाल करके राम मंदिर और योगी को बम से उड़ा देने की धमकी, 2 हिंदू नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसने सोशल मीडिया पर धमकी दी थी, जिसकी वजह से यूपी पुलिस चौकस हो गई और तहकीकात शुरू कर दी। एक बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स की एक टीम ने लखनऊ के गोमती नगर के विभूति खंड इलाके से तिहार सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया। बयान में कहा गया है कि दोनों ने एक्स हैंडल का इस्तेमाल करते हुए देवेंद्र ऑफिशियल नवंबर में आदित्यनाथ एसटीएफ के सरबराह अमिताभ यश और अयोध्या के राम मंदिर को धमकी दी थी। मालूमात देते हुए पुलिस ने बताया है कि ये धमकी ईमेल आईडी alamansarikhan608@gmail.com और zubairkhanisi199@gmail.com की मदद से दी थी। जब हुक्काम ने दोनों ईमेल आईडी चेक किए तो पता चला कि तिहार सिंह ने ईमेल अकाउंट बनाए और ओम प्रकाश मिश्रा ने धमकी आमेज पैगाम भेजे। बयान में कहा गया है कि सिंह और मिश्रा दोनों गोवंडा के रहने वाले हैं और एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। बताया गया है कि एसटीएफ मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। मेरा नाम ताहर सिंह, पिताजी का नाम श्री पृथ्वीराज सिंह, गांव का नाम बिसम्बरपुर, थाना धानीपुर, जिला गोंडा। ओम प्रकाश मिश्रा, सनाब भरत भुवाल मिश्रा, निवासी भैरमपुर, कटरा बाजार, गोंडा। नाम दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।